हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र चौधरी। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं वो सबमिट करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम राइटिंग सेक्शन जो है उसे स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 या एग्ज़ाम जो है आपके उसमें क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर के आता है। हालांकि इनविटेशन के बारे में हमने बात की थी कि यहाँ राइटिंग सेक्शन जो है आपका सेक्शन बी, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपको इनविटेशन को लेकर के बनने वाला है। यहाँ जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक इनविटेशन ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट है, ठीक है? और वो भी कैसा फॉर्मेट है? फॉर्मल इनविटेशन का। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिलेबस में फॉर्मल इनविटेशन या इनफॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्टिंग नहीं आ रहा है। हमारे क्वेश्चन पेपर में इनके रिप्लाई यानी कि एक्सेप्ट और डिक्लाइन, ये देखिए आपको स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्ट का फॉर्मेट है और ये फॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइन का फॉर्मेट है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन जो है उसमें भी आपको यही काम करना है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन के रूप में। तो मुद्दा ये है कि हम ये करेंगे कैसे। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर इनविटेशन ड्राफ्टिंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मल इनविटेशन को लेते हैं हम, इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि फॉर्मल इनविटेशन हमेशा आप ध्यान रखना, प्रिंटेड जो कार्ड्स अपने घर पे आते हैं, जिसको अपन कुकू पत्री के नाम से जानते हैं, तो उस तरीके का एक कार्ड होता है और ये हमारे को प्रिंटेड वे में मिलता है। फिर इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कैसे होती है, तो इसके लिए आप यहाँ हेडिंग देख रहे होंगे, फॉर्मल इनविटेशन लिखा हुआ है, फिर मिसेज एंड मिस्टर आगे डैश डैश दिया है। डैश डैश का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको मिसेज एंड मिस्टर कोई कास्ट लिखनी है। जैसे कि मेरी एक आदत है, मैं यहाँ पर शर्मा या वर्मा लिख देता हूँ, ठीक है? हम यहाँ पर शर्मा या वर्मा लिख सकते हैं। तो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, ठीक है? अब बात करते हैं अपन आगे की, कि और इसमें क्या हम ऐड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन या ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। तो ओकेजन और ऑस्पिशियस ओकेजन से मतलब क्या है कि ओकेजन आप उन अवसर को लीजिए जिसमें हम कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, और ऑस्पिशियस ओकेजन का मतलब है मांगलिक अवसर, जिसमें कि आप अपने देवी देवता, ईष्ट हैं, कोई भगवान जिनकी पूजा अर्चना आप करते हो। तो दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है, या तो आप ओकेजन यूज़ करेंगे या ऑस्पिशियस ओकेजन। ये जो लाइन हमने लिखी है ये फिक्स रहने वाली है, ठीक है? और इसके बाद में ये जो हमने यहाँ लिया है ओकेजन ऑफ, तो ये लिखने के बाद आप जो भी क्वेश्चन में आता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। जैसा कि ओकेजन ऑफ देयर सन्स वेडिंग, डॉटर्स वेडिंग, रिंग सेरेमनी, ठीक है ना? तो वो ओकेजन नेम यहाँ पर आपको शो करना है। फिर आप डे, डेट, टाइम और वेन्यू, ये आप सारी इन्फॉर्मेशन या तो क्वेश्चन में मिलेगी तो उससे फिल कर लें, और नहीं मिलती है तो फिर आप अपने मन मुताबिक कुछ भी इसमें फिल कर सकते हैं। अब वेन्यू से मतलब क्या है, देखो, आयोजन स्थल, ठीक है ना? ये ओकेजन जो है ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज होगा,
तो उस वेन्यू की डिटेल आपको यहाँ देनी है, और लास्ट में RSVP। RSVP से मतलब क्या है, मैंने यहाँ ब्रैकेट में देखो आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब ये जो इनविटेशन भेजने वाला है, उस इनविटेशन भेजने वाले का पता वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। किसमें लिखेंगे आप, सेंडर्स एड्रेस में। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एक इमेजिनरी एड्रेस लिख करके बताता हूँ कि अगर आपको कोई एड्रेस नहीं मिले तो आप इस एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है 101/A, और फिर मैं ले रहा हूँ हाउसिंग बोर्ड। तो आप ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन में अगर आपको कोई एड्रेस दिया हुआ है तो उसको फॉलो करें, नहीं दिया हुआ है तो आप अपने घर का पता नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस में आप कुछ इस तरीके से 101/A हाउसिंग बोर्ड डाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई अपने फॉर्मल इनविटेशन की। अब ऐसा क्वेश्चन अपने वहाँ पुटअप होने वाला नहीं है। अपने क्वेश्चन कैसा पुटअप होगा, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इन्विटेशंस, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब मुद्दा यह है कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ फॉर्मल इनविटेशन की जब ड्राफ्टिंग की थी, अपन ने चारों ओर एक इसके बाउंड्री बनाई है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जब आप रिप्लाई देने जाते हो तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि जो भी मैटर आपने लिखा है वो एक बाउंड्री के अंदर बंद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आप काम क्या कर रहे हो उसका नाम दो। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है फॉर्मल रिप्लाई, फिर इस फॉर्मल रिप्लाई में आप काम क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट डिक्लाइन। और अब दोनों तो आप कर नहीं सकते एक साथ, दोनों में से कोई एक आपको करना है। जैसा कि मैंने नीचे देखो यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट, ठीक है। तो आप अगर किसी ओकेज़न में शामिल होने जा रहे हो तो उस के लिए आपको जो रिप्लाई देना है वो किस तरह दोगे, एक्सेप्ट के रूप में। अब ये जो डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है और जो अंडरलाइन जो मैटर है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी को आपको चेंज करना है, इसके अलावा आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, मिसेज एंड मिस्टर रिसीवर, ठीक है ना। रिसीवर से मतलब जिसको ये इनविटेशन मिला है, ठीक है ना। तो वो उनका नाम या उनकी कास्ट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ऑफ द इनविटेशन गिव थैंक्स टू मिसेज एंड मिस्टर सेंडर। तो जो रिसीवर है, जो इनविटेशन को प्राप्त करने वाला है, वो क्या करेगा, भेजने वाले को धन्यवाद देगा। धन्यवाद देना पड़ता है भाई, हैं, हमारे को इस योग्य माना है कि हमें इस ओकेज़न में इनवाइट किया गया है, तो आप पहले उनको धन्यवाद दें, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि तो जैसा कि आपके सामने ये फॉर्मेट दिख रहा है, एक बार वापस बता देता हूँ कि मिसेज एंड मिस्टर रिसीवर ऑफ द इनविटेशन गिव थैंक्स टू मिसेज एंड मिस्टर सेंडर फॉर देयर काइंड इनविटेशन फॉर द ओकेजन ऑफ ओकेजन नेम विच विल बी हेल्ड ऑन डे डेट टाइम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। अब ये डे डेट टाइम से मतलब क्या है कि जो ओकेजन है वो ओकेज़न किस डे को ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस डेट को ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस टाइम पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये डिटेल भी आपको इसमें देनी पड़ेगी। अगर नहीं है क्वेश्चन में आपको अवेलेबल तो आप अपने मन से लिखें। फिर आप इसमें क्या लिखेंगे, काइंडली एक्सेप्ट द हार्टिएस्ट विशेज ऑफ मिसेज एंड मिस्टर रिसीवर, दे विल बी श्योरली अटेंड दिस ओकेज़न। तो ध्यान रखें, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट को ही फॉलो करेंगे और जो अंडरलाइन इन्फॉर्मेशन है वो आपकी क्वेश्चन में मिल जाएगी। अब मान लीजिए आप किसी कारणवश किसी ओकेज़न में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उस इनविटेशन को डिक्लाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो डिक्लाइन करने के लिए जो है हम लोग ये फॉर्मेट काम में लेंगे, कौन सा वाला, डिक्लाइन का। जैसा कि देखो आप क्या लिख रहे हैं, फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्ट डिक्लाइन, देन अब एक्सेप्ट और डिक्लाइन में से क्या कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो। डिक्लाइन मतलब आप नहीं जा रहे हो, मना कर रहे हो। तो ध्यान रखें
कि जो ऊपर वाला जो फॉर्मेट था उसमें और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख लेंगे, आप लिख करके भी ट्राई करना कि दोनों में जो है लैंग्वेज करीब करीब सेम है। क्या है? मिसेज एंड मिस्टर रिसीवर ऑफ द इनविटेशन गिव थैंक्स टू मिसेज एंड मिस्टर सेंडर फॉर देयर काइंड इनविटेशन फॉर द ओकेजन ऑफ ओकेजन नेम विच विल बी हेल्ड ऑन डे डेट एंड टाइम। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखो तो एक्सेप्ट वाले में भी हमने लिखी थी। आप एक तैयार करें, आपका स्वतः ही दूसरा भी जो है रिप्लाई तैयार हो जाएगा। आगे काइंडली एक्सेप्ट द हार्टियस्ट विशेज ऑफ मिसेज एंड मिस्टर रिसीवर। तो ध्यान रखें, मिसेज एंड मिस्टर रिसीवर टू मिसेज एंड मिस्टर रिसीवर, ये जो चीज़ है ना, ये जो तीन लाइनों में हमने जो मैटर लिया है, ये बिल्कुल कॉमन रहने वाला है, चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे आप डिक्लाइन कर रहे हो। लेकिन लास्ट की जो लाइन है, यहाँ जैसे आप इसको एक्सेप्ट कर रहे थे तो क्या लिखा हमने, दे विल बी श्योरली अटेंड दिस ओकेजन, मीन्स मिसेज एंड मिस्टर रिसीवर विल बी श्योरली दिस ओकेजन, ठीक है। और अब आप नहीं जा रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कि बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस दे वोंट बी एबल टू अटेंड दिस ओकेजन, ठीक है। तो अर्थ क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि वह दुर्भाग्य से कोई ऐसा कारण हुआ है जिस वजह से ये मिसेज और मिस्टर रिसीवर जो है इस इनविटेशन को प्राप्त करने वाले जो है वो इस ओकेजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्ट और डिक्लाइन कर सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो इनफॉर्मल इनविटेशन को लेकर के है। इनफॉर्मल इनविटेशन को हम पहले उसकी ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं कि बनता कैसे है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक लेटर का फॉर्मेट आपके सामने है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट है, ध्यान रखें लेटर के रूप में लिखा जाएगा, इसको किसी बॉक्स में आपको बंद नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना। फॉर्मल इनविटेशन बॉक्स में बंद होता है, फॉर्मल रिप्लाई बॉक्स में बंद होता है, लेकिन उसके उलट इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई कभी भी बॉक्स में बंद नहीं होंगे, और इनका जो लिखने का मैनर है, तरीका है, वो एक लेटर के रूप में होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है आपको, सबसे पहली चीज़ है प्लेस। प्लेस से मतलब क्या है, यहाँ पर आपको सेंडर एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं डेट, डेट कौन सी लिखेंगे, जिस दिन आप इस इनविटेशन की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जिस दिन आप बैठ करके ये इनविटेशन लिख रहे हैं, उस दिन की डेट यहाँ पर आपको डालनी है, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ करके आप ध्यान रखें, यहाँ पर रेस्पेक्टेड या डियर से संबोधित करेंगे सामने वाले को, जिसको भी आप ये इनविटेशन भेज रहे हो, जिसको भी इनवाइट कर रहे हो। बड़ा है आपसे उम्र में तो रेस्पेक्टेड लगाएं, आपका हम उम्र है, दोस्त है, भाई है, तो उसके लिए आप डियर यूज़ करें। और आगे जो ये मैटर दिया हुआ है, ये इसमें फिक्स रहने वाला है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे लिख के करो चाहे कैसे भी करो, ये फिक्स रहेगा, इसको याद करना है। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू ऑन द पार्टी, कि मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है आपको इस समारोह में आमंत्रित करने को लेकर, विच विल बी हेल्ड एट माई रेजिडेंस, हाँ, जो समारोह मेरे घर पर आयोजित हो रहा है, या रेजिडेंस की जगह पर आप कोई भी वेन्यू डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। ऑन द ओकेजन ऑफ, यहाँ पर आपको ओकेजन का नाम डालना है, ठीक है। आई होप दैट यू विल ज्वाइन द ओकेजन और द पार्टी विद योर होल फैमिली एंड रीडबल द ग्रैंड्यूर, कि मैं आशा करता हूँ कि आप इस समारोह में अपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होंगे और इस समारोह में चार चांद लगा देंगे, हाँ। रीडबल द ग्रैंड्यूर से मतलब क्या है, सानो शौकत को चार गुना तक बढ़ा देना या चौगुना कर देना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं आपके त्वरित जवाब की प्रतीक्षा में हूँ। तो ध्यान रखें, ये लैंग्वेज फिक्स रहने वाली है और आप इसको बदल नहीं सकते, सिवाय जो ये डॉट डॉट करके यहाँ पर ब्लैंक्स बने हुए हैं या ओकेजन नेम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी क्वेश्चन में से, ठीक है। और लास्ट में आप इसको क्लोज कैसे करोगे, योर्स, अब आप यहाँ पर अपना रिलेशनशिप शो कर दें, आप फ्रेंड हैं
कज़न ब्रदर हैं, नेफ्यू हैं, नीस है, जो भी आपका रिलेशन इस संबंधित व्यक्ति से है वो यहाँ शो करेंगे और अपना नाम यहाँ पर लिख लेंगे। नाम कौन सा लिखना है? जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना? आप अपना खुद का नाम नहीं लिखेंगे, और अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने रोल नंबर को यूज़ करें, ठीक है? अब इस इनफॉर्मल इनविटेशन में यहाँ मैंने ओकेजन नेम को लेकर के स्टॉप कर दिया है। एक फॉर्मेट मैं आपको और बताता हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ऊपर वाले को लेकर के। क्या डिफरेंस है? इसमें डेट डेट और टाइम को जो है हमने साथ में ऐड किया है, बाकी दोनों ही फॉर्मेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ डेट डेट टाइम क्यों शो करना पड़ रहा है कि काफ़ी ओकेज़न ऐसे होते हैं जिनके डेट डेट टाइम आपको शो करने पड़ेंगे, जैसे किसी की वेडिंग है, किसी का बर्थडे है, ठीक है ना, कोई गृह प्रवेश से रिलेटेड है। लेकिन हमने ऊपर वाले में डेट डेट टाइम को शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ आने वाला ओकेज़न जो है वो कैलेंडर में शो होगा, जैसे कि क्रिसमस डे है, न्यू ईयर है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, ये सारे के सारे आप कैलेंडर से इनकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है? तो इन दोनों फॉर्मेट्स में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, यही फ़र्क था। अब बात करते हैं अपन रिप्लाई की, क्योंकि इनविटेशन ड्राफ्टिंग तो आने वाली नहीं है, आएगी तो क्या आएगी? रिप्लाई, ठीक है? आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर डिक्लाइन कर रहे हो। तो एक्सेप्ट अगर आप कर रहे हो इनफॉर्मल इनविटेशन को, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई, फिर इसके लिए एक्सेप्ट और डिक्लाइन के कॉलम, और दोनों में से आप कौन सा कॉलम यूज़ कर रहे हो? कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखो आप एक्सेप्ट, ठीक है, ये लेटर फॉर्मेट में ही है, सारी चीज़ें फिक्स रहने वाली है। कुछ चीज़ें जो अंडरलाइन है वो बदलेगी, जैसा कि यहाँ दिया हुआ देखो आप प्लेस है, प्लेस कौन सा? सेंडर्स एड्रेस, और फिर उसके बाद में आ जाएगी डेट। डेट कौन सी? जिस दिन आप बैठ करके ये ड्राफ्टिंग कर रहे हो। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर बड़ा है सामने वाला तो रेस्पेक्टेड यूज़ करो, बराबर उम्र का है तो डियर यूज़ करो, छोटा है तो डियर यूज़ करो। फिर इस लैंग्वेज को आप कॉपी करें। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर दैट यू इन्वाइट मी ऑन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन नेम विच विल बी हेल्ड ऑन डेट डेट एंड टाइम। तो आप सामने वाले को जो है ये शो करें कि आपको अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। किस बात को लेकर? कि जो सेंडर था उसने आपको इस ओकेजन पर इनवाइट किया है, और आपको ओकेजन का नाम भी पता है, ओकेजन किस डे को या डेट को और किस टाइम पर ऑर्गेनाइज हो रहा है वो भी पता है, ठीक है? इसको लिखना पड़ेगा आपको। देन लास्ट में इसको क्लोज कैसे करेंगे? काइंडली एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट विशेस, आई विल बी श्योरली अटेंड दिस ओकेजन, ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है आपको इस तरीके से लिखनी है। तो ये तो हो गया आपके एक्सेप्ट का, इसमें लास्ट में क्लोज कैसे करोगे? योर्स यहाँ रिलेशनशिप आ जाएगी, ठीक है, नेम आ जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें। अगर आप किसी समारोह में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगला स्टेप जो है वो है इसके डिक्लाइन का। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें रहने वाली है, ठीक है? जैसे सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, इनविटेशन के रिप्लाई की जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसकी डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके रेस्पेक्टेड डियर और रिलेशनशिप लिखेंगे। ये वाली जो लाइन हम लिख रहे हैं, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर दैट यू इनवाइट मी ऑन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन नेम विच विल बी हेल्ड ऑन डे डेट एंड टाइम। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ जब आपने इसको एक्सेप्ट किया था तो उसमें, और जब आप डिक्लाइन कर रहे हो तो इसमें, ये लैंग्वेज सेम आने वाली है। साथ ही साथ काइंडली एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट विशेस, तो ये भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन में सेम ही रहने वाला है। अब बदलने वाला क्या है वो देखें आप, यहाँ से बदलेगा ये। डिक्लाइन कर रहे हैं तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस आई वोंट बी एबल टू अटेंड द ओकेजन, ठीक है? आप नहीं जा रहे हैं तो ये यूज़ करें, जा रहे हैं तो
इस फॉर्मेट को यूज़ करें। और ध्यान रखें ये इनफॉर्मल रिप्लाई है, बॉक्स में बंद नहीं होगा, लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। ये तो फॉर्मेट्स जो है वो मैंने आपको यहाँ पर शो किए थे। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए जो है आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जो है आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, या आगे मैं कोई लिंक आपको दूंगा तो उसके माध्यम से आपको पीडीएफ के थ्रू इनके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, इन्हें पढ़ें, याद करें, कॉपी में लिखें, ठीक है। धन्यवाद।